एवरी वन दिस इज वोनिका आज का टॉपिक है हमारा वल्चर कंजर्वेशन को लेकर इससे पहले हमने प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट और इस तरह से एनिमल्स जो इनडेंजर्ड है उनके बारे में पढ़ा और अब हम वल्चर कंजरवेशन के बारे में पढ़ेंगे अब देखिए अगर आपका कोई भी डाउट हुआ आई ऑलवेज से टूगेदर वी कैन मेक अज डिफरेंस आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगा चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि यूजुअली तो हम बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स की बात करते हैं टाइगर की बात की हमने एलिफेंट की की उसके बाद में हमने प्रोजेक्ट हंगुल भी पढ़ा ठीक है जिसको कश्मीर स्टैग कहा जाता है वल्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है तो आज प्रॉपर केस स्टडी के साथ हम इसको पढ़ेंगे अब देखिए इंडिया में वल्चर की जो कि वाइल्ड में आपको मिलेगा बिना कैप्टिव ब्रीडिंग के नाइन स्पीशीज इंडिया में आपको वल्चर की मिलेंगी दीज आर ये कौन कौन सी हैं? Uh, यहाँ पे इनका नॉर्मल नेम कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दे रखा है ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर सिलेंडर बिल्ड वल्चर लॉन्ग बिल्ड वर्ल्चर इजिप्शियन वल्चर रेड हेडेड वल्चर इंडियन ग्रिफॉन वल्चर हिमालयन ग्रिफॉन सिनेरस वल्चर बियर्डेड वल्चर ओके यहाँ पे नॉर्मली आप इन सब की पिक्चर्स भी देख सकते हैं थोड़ा कार्टून शेप में बन रखी है कि किस तरह से ये एक दूसरे से जितने नाइन स्पीशीज जो इंडिया में पाए जाते हैं वो एक दूसरे से अलग हैं पीडीएफ क्योंकि आपको टेलीग्राम जो है मेरा शुरू में सेकंड स्लाइड में ही उसका एड्रेस दे रखा है वहाँ से आपको मिल जाएगा अब देखिए ये जो नाइन स्पीशीज हैं वल्चर की इसमें से तीन स्पीशीज हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं जो कि जिनका पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है ये कौन सी है वाइट बैक्ड वल्चर सिलेंडर बिल्ड वल्चर लॉन्ग बिल्ड वर्चर वल्चर अब देखिए फैक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी वल्चर की तीन स्पीशीज़ हैं जिनका पॉपुलेशन एकदम से कम हो रहा है ये दोनों जिप्स जीनस की हैं और आप देख सकते हैं डिक्लाइन जो है इसका इंडिया में वो नाइन्टी सेवन परसेंट देखा गया है टू बाई टू थाउजेंड फाइव तक ओके okay? अब देखिए बिकॉज ऑफ एविडेंस ऑफ वाइड स्प्रेड एंड रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन अब कोई भी स्पीशीज़ अगर एकदम से आप देखेंगे कि उसका पॉपुलेशन एकदम एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगा तो कोई ना कोई उसको स्टडी करेगा रिसर्चर्स और एकदम जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं वो एक्टिव हो जाएंगे रिसर्चर्स भी तो ये ये जो एकदम से इसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ इसकी वजह से ये जो वल्चर स्पीशीज है इसको आई ने लिस्ट किया द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो है इन 2000 में क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो आपने हमने हंगुल के केस में भी देखा वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड उसको बोला जाता है और वहां पे मैंने आपको रीजंस भी बताए कि किन केसेस में एनिमल्स को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा जाता है क्योंकि क्रिटिकल इंडेंजर्ड जो है ये हाइस्ट कैटेगरी है एंडेंजरमेंट की ओके okay? अब यहाँ पे रीज़न क्या था क्योंकि एकदम उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया और रीज़न था कि ये एक्सटिंक्ट हो सकता है फिर तो इसका जो स्पीशीज़ है वो कभी भी खत्म हो सकती है हाई रिस्क ऑफ ग्लोबल एक्सटिंक्शन कि इसकी स्पीशीज़ नियर फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी

लिस्ट में आती हैं अब देखिए इसके बाद क्या है इंडिया ऑल्सो मूव टू आयु सी एन मोशन इन टू थाउजेंड फोर इंडिया ने भी एक आयुस एन मोशन जो है वो मूव किया किसको लेकर वल्चर कंजर्वेशन को लेकर जिसको एक्सेप्ट किया गया इन द फॉर्म ऑफ आयुसियन रेजोल्यूशन इसको जो मोशन पास किया इंडिया ने इसको आयुसियन रेजोल्यूशन के रूप में एक्सेप्ट किया गया और जितने भी ये जो स्पीशीज़ हैं ये तीन ये जो वल्चर रेंज कंट्रीज हैं जहाँ पे भी वल्चर्स पाए जाते हैं उन सबको कहा गया कि आप एक्शन लो और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया इसको कि हमको एक्शन लेना है और वल्चर्स को प्रोटेक्ट करना है कंजर्व करना है अब देखिए यहाँ पे लिखा है कैसे कंजर्व करना है यूज़ ऑफ डाइक्लोफिनाक डाइक्लोफिनक एक दवाई है एक ड्रग है जिसको वेटनरी एप्लीकेशंस में ह्यूमन यूज़ के लिए एक एनलजेसिक है पेन किलर है इसको यूज़ किया जाता है लेकिन आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इससे वल्चर्स का पॉपुलेशन कैसे कम हुआ ये बाद में हम पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल ये जो मोशन था ये जो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया गया आई ने तो जितनी भी आपकी जहाँ पर भी जिन भी देशों में वल्चर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं वल्चर रेंज कंट्रीज उन्होंने एक्शन ले लिया कि हम डाइक्लोफिनाक को प्रिवेंट करेंगे वेटनरी एप्लीकेशन में ओके okay? और देखिए जितनी भी ये रेंज कंट्रीज थी वल्चर रेंज कंट्रीज जो हैं इन्होंने अपने रिकवरी प्लान्स डेवलप करना शुरू कर दिए और इम्प्लीमेंट शुरू कर दिए कि हम वल्चर को कंजर्व करेंगे अब ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आएगी कि डाइक्लोफेनाक का नाम यहाँ पे क्यों लिया गया है इससे पहले हम सिग्निफिकेंस देखते हैं कि ह्यूमन वेलबींग well के लिए वल्चर्स का क्या इंपॉर्टेंट है ह्यूम्स को इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वल्चर देखो इकोलॉजिकल सोशल और कल्चरल तीनों तरीके से इसका सिग्निफिकेंस है वल्चर का जैसे कि इकोलॉजिकल कैसे क्योंकि आपको पता है ये एक स्क्वेंजर है ये जितने भी आपकी डेड बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की कैरकैस जिनको बोलते हैं ओके क्या बोला जाता है कैर कैसेस ओके ये उन पे फीड करते हैं अब कोई एनिमल कहीं पे जंगल में मर गया अदरवाइज उसकी बॉडी वहाँ पे पड़ेगी और माइक्रो ऑर्गैनिजम्स अगर उसको डिकम्पोज करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा लेकिन वल्चर्स जब किसी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं तो कम्प्लीटली उसको ये लोग उस पर फीड करते हैं तो ये स्क्वेंजर है एनिमल्स की बॉडीज पे फीड करते हैं इसलिए इन्वायरमेंट क्लीन रहता है तो आप देख सकते हैं कि इकोलॉजिकल फायदा क्या है कि ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं और अल्टीमेटली आपकी डेड बॉडीज डिस्पोज हो जाती है अब सोशल और कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है जो हमारे देश में जैसे पारसी कम्युनिटी है वो क्या बिलीव करते हैं उनका इस तरह का बिलीव होता है कि ह्यूमन का एक एक जो बॉडी पार्ट है वो किसी के मदद आना चाहिए तो जब डेड बॉडी मर जाती है तब तो कोई मर गया डेड बॉडी मर जाती है आई I मीन mean, uh, कोई इंसान जब एक्सपायर uh, हो जाता है जो उसकी डेड बॉडी होती है तो वो तो अब किसी के यूज़ नहीं आएगी यूजुअली तो पारसी कम्युनिटी का मानना है कि बर्ड्स के काम आ जाए बर्ड्स उसको खा लें तो वो क्या करते हैं टावर ऑफ साइलेंस जो रहता है पारसी कम्युनिटी का मुंबई में है वहाँ पे डेड uh, बॉडी रख लेते हैं और वल्चर्स आके उस पर फीड करते हैं तो ये रिलीजियस प्रैक्टिस भी है पारसी कम्युनिटी की इसलिए वल्चर्स का इकोलॉजिकल और सोशल कल्चरल सिग्निफिकेंस दोनों है ओके okay. इंडिया और अफ्रीका में यूज़ किया जाता है अब रिमूवल ऑफ मेजर स्क्वेंजर और अगर इकोलॉजिकली बात करें तो ये एक मेजर स्क्वेंजर हो गया वल्चर हमारे इकोसिस्टम का अगर यही नहीं रहेगा इसकी स्पीशीज जो हैं वो डिक्लाइन हो जाएंगी तो जो इक्विलिब्रियम है पॉपुलेशन का और बाकी की स्क्वेंजर स्पीशीज का भी वो इंक्रीज हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट क्लीन नहीं रहेगा तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और देखिए इसका क्या फ़ायदा है जहाँ पे वल्चर्स का पॉपुलेशन कम रहता है वहाँ पे जो आपके फेरल डॉग्स हैं नॉर्मल नौ, जो डोमेस्टिक डॉग्स नहीं रहते ऐसे गलियों में फिर रहे होते हैं फेरल डॉग्स का पॉपुलेशन जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है और फिर फेरल डॉग्स जो हैं वो मेन स्क्वेंचिंग स्पीशीज़ बन जाते हैं वल्चर्स की एबसेंस में ये हमने ऑब्ज़र्व किया है अब फेरल डॉग्स Uh, अगर इनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो आप बोलेंगे उससे क्या नुकसान है इस पर अलग से एक वीडियो मैंने बनाई अगर आप सर्च करेंगे फेरल डॉग्स स्टडी आई क्यू तो आपको पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा कि फेरल डॉग्स के पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है लद्दाख में ये इशू बहुत ज़्यादा देखा गया और भी बहुत जगह देखा जाता है अब देखिए uh, जितने डेड बॉडीज़ एनिमल्स के इंक्रीज़ होंगे या स्क्वेंजर पॉपुलेशन आपकी चेंज होगी तो इससे डिजीज़ भी हो सकती हैं वाइल्ड लाइफ में डिजीज स्प्रेड हो सकती है ह्यूमंस में भी लाइफ स्टॉक में भी क्योंकि जितना ह्यूमन्स कम्युनिटी में ह्यूमन कम्युनिटी में मैन uh, कम्युनिटी में एनिमल्स का आना होगा और देखिए इसके सिवाय ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ एनिमल कैरकैस का क्या है अगर एनिमल नहीं है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है तो हम उनको खुले में फेंक देंगे वो खुले में ही पड़े रहेंगे जंगलों में पड़े रहेंगे जंगलों में पड़े रहेंगे कोई एनिमल पड़ा रहेगा तो उस पर फेरेल डॉग्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे वो फीड करेंगे इससे रेबीज़ और एंथ्रैक्स जैसी बीमारियां होने का भी डर रहता है और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि डिक्लाइन वल्चर जो ट्रेडिशनल कस्टम है पार्सिस का जैसे टावर्स ऑफ साइलेंस मैंने आपको कहे रहता है मुंबई में भी आप इसको देख सकते हैं जहाँ पे वल्चर्स डेड बॉडी पे फीड करते हैं इस तरह से आपका टावर ऑफ साइलेंस जो है जिसपे पारसी कम्यूनिटी का रिलीजियस बिलीफ जो है डेड बॉडी को डिस, डिस्पोज ऑफ़ करने का वो ये रहता है अब देखिए स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन इन वल्चर्स का इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो बहुत इस तरह के सर्वेज हैं जहाँ पे वल्चर्स uh, को लेके जो सर्वे हुए और फिर जब इनका पॉपुलेशन जैसे मैंने आपको बताया एकदम से डिक्लाइन होने शुरू हुआ कम होने शुरू हुआ तो सब रिसर्चर्स ने इसको पढ़ना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है एक्सपर्ट्स ने पढ़ना शुरू किया अब देखिए डिक्लाइन जो है वल्चर पॉपुलेशन का इंडिया में पहली बार कब रिकॉर्ड किया गया था कि लाडियो घना नेशनल पार्क जो है राजस्थान में नाइनटीन में इसको पहली बार रिकॉर्ड किया गया उसके बाद मिड नाइन्टीज़ में इसको रिकॉर्ड किया गया और फिर आपके बहुत सारे इस तरह से बीच बीच में इंसिडेंट्स होने लग गए अब डेक्लाइंस हैव बिन प्रोजेक्टेड इन एक्सेस ऑफ 97 सेवन परसेंट ओवर अ ट्वेल्व ईयर पीरियड इन इंडिया 92 टू परसेंट इन थ्री ईयर पीरियड इन पाकिस्तान हर देश में दे रखा है कि डेक्लाइंस कितने प्रोजेक्ट किए गए हैं इंडिया में 97 सेवन पीरियड नाइन्टी सेवन परसेंट दिखाया है 12 साल के पीरियड में 92 टू परसेंट थ्री ईयर के पीरियड में पाकिस्तान में और ये जो लिखा है वीरानी ये रिसर्च पेपर है जहाँ से ये डेटा लिया गया है नेपाल हैज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस सिमिलर रिडक्शन की इनका पॉपुलेशन कम हो रहा है अब ये जो ड्रामेटिक डिक्लाइन एकदम होगा जैसे नेपाल की बात की गई कि मिड नाइन्टीज में, में वहां पे देखा गया ये जो बेंगोलेंसिस इसकी स्पेशल स्पीशीज है इसके डेढ़ लाख से ज्यादा पेयर्स थे ये जोड़े मौजूद थे वल्चर्स के ओके और रिसेंटली जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखाती हैं डेढ़ लाख से वो जो, के जोड़े पेयर्स भी नहीं बचे हैं आपके बिल्ड के नेपाल में, okay? तो वो कम हो रहा है और डिकेड में देखेंगे तो नाइनटी टू नाइन्टी ये नेपाल कंट्री रिपोर्ट जो है वहां पर मैंशन किया है वल्चर्स के बारे में तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट आप देख सकते हैं कि इंडिया की हमने ऑलरेडी बात की नेपाल की भी बात की पाकिस्तान का भी आपको डेटा बताया हर जगह वेल्चर्स के साथ सेम चीज़ हो रही है इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है अब देखिए जब ये मर रहे हैं तो किस तरह के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं सिम्टम्स क्या देखे गए नेक ड्रूपिंग ये एनिमल्स में नेक ड्रूपिंग का आ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं एक सिम्टम रहता है ऐसे गर्दन एकदम से गिर जाती है बेसिकली ये दिखाता है कि जो बर्ड है एवियन स्पीशीज जो हैं वो बीमार हैं ओके okay, तो यूरेशियन वल्चर्स में ये फेनोमेना बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया डिक्लाइन के पीरियड में नेक ड्रूपिंग इंडिया में पहली बार जैसे कीडियो नेशनल पार्क जो है राजस्थान में वहाँ पे पहली बार देखा गया कि बर्ड्स इस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं अपनी डेथ से पहले तो ये बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है बर्ड्स बीमार हैं अब क्या रीज़न है जब एक्सपर्ट्स ने पढ़ना शुरू किया कि क्यों वल्चर्स का पॉपुलेशन कम हो रहा है तो एशियन वल्चर पॉपुलेशन क्रैश जो है पहली बार 1999 में पहली बार रिवील हुआ अब इसकी इन्वेस्टिगेशंस डेवलप हुई तो पहले इन्होंने सोचा रिसर्चर्स ने देखा कि शायद नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कि इनको डेड लाइफ स्टॉक नहीं मिल रहा जैसे ये डेड बॉडीज जो हैं कार्कैसेस जो हैं एनिमल्स के उन पर फीड करते हैं शायद वल्चर्स को प्रॉपरली खाना नहीं मिल रहा इसलिए इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है राइट right? तो क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं आ, ये रीज़न क्यों दिया गया कि जो कैर हैं डेड बॉडीज़ हैं एनिमल्स की उनको आ, रिमूव करवा रहे हैं कोई शायद इस तरह के कंपनीज़ शुरू हो गई हैं जो इन्वायरमेंट से क्लीन कर रही हैं कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया और या हो सकता है कोई एपिडेमिक आ गया हो जिसके बारे में हमको ना पता चल रहा हो वल्चर्स में कोई वायरल इन्फेक्शन फैल गई हो तो ये दो रीजंस जो हैं ये इनिशियली सोचे गए एक्सपर्ट्स के द्वारा लेकिन जो पहला वाला है कि पॉपुलेशन डेड लाइफ स्टॉक नहीं मिल रहा तो ये तो क्लियरली केस नहीं हो सकता चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ करना शुरू करें इतने डेड लाइफ स्टॉक हैं कि ये रीज़न नहीं हो सकता फिर आपका जो बाकी के हाइपोथिस हैं एपिडेमिक को लेकर वो शुरू हुए जैसे बी है बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी हो गई आई हो गया ये इंस्टीट्यूशन ने और रिसर्च करना इस इशू पर शुरू किया फिर इन्होंने क्या देखा जब इनकी डेड बॉडीज़ को अच्छे से देखा गया जो विसरल गाउट है इसमें क्या हो रहा था जो इंटरनल ऑर्गन्स थे जब एक वल्चर मर रहा है किसी वजह से तो इन्होंने देखा उनके इंटरनल ऑर्गन्स में स्पेशली किडनी में यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा उनके टिश्यूज में रह रहा है सरफेस जो है वाइट कलर का वहाँ पे डेड वल्चर 85 परसेंट जो डेड वल्चर्स थे उनमें ये चीज़ देखी गई कि वाइट कलर का डिपोजिशन उनके इंटरनल ऑर्गन्स पे देखा गया जो कि यूरिक एसिड था तो मतलब उनकी डेथ किसकी वजह से हो रही थी रेनल फेलियर यानी किडनी फेलियर की वजह से और विच इज़ नोन टू अक्कर रेजा और फिर इन्होंने सोचा अगर किडनी फेलियर हो रहा है तो किस वजह से हो रहा होगा मे बी मेटाबॉलिक या इन्फेक्शन या कोई टॉक्सिक डिजीज हो रही होगी अब विस्ट्रल गाउट जो, जो इन, है यानी जो इनके इंटरनल ऑर्गेंस हैं उनको अच्छे से और देखा गया माइक्रोस्कोपी मोलिक्युलर बायोलॉजी बैक्टेरियोलॉजी सब चीज़ों पर देखा गया फिर जितनी भी आपकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ थी उन्होंने कुछ भी इंडिकेट नहीं किया कि ना ही कोई मेटल पॉइजनिंग हो रही है ना ही कोई टॉक्सिक रेजिड्यूज हैं बॉडी में ना ही कोई ऑर्गेनोक्लोरिन हैं तो फिर भी एपिडेमिक डिजीज़ को भी यहाँ से कैंसिल किया गया पहला तो यहीं पे कैंसिल कर दिया कि खाना नहीं मिल रहा ये रीजन तो नहीं हो सकता दूसरा एपिडेमिक भी फिर जब ये सारी प्रोसेसेस की गई तो देखा कि कोई एपिडेमिक जैसे अभी आप देखिए एक पैनडेमिक कोरोना हमने देखा लेकिन उस टाइम भी कोई एपिडेमिक नहीं था अब क्या पता चलता है फिर क्या आइडेंटिफाई किया एक्सपर्ट्स ने डाइक्लोफिनक जो मैंने शुरू में एक स्लाइड में यूज़ किया था और मैंने कहा था आगे मैं आपको बताऊंगी कि डाइक्लोफिनैक की बात क्यों हो रही है ये एक तरह का ड्रग है एनलजेसिक है पेन किलर है जिसको यूज करते हैं ह्यूमंस और वेटनरी डॉक्टर्स एनिमल्स में लाइफ स्टॉक में इसको यूज करते हैं उनको ट्रीट करने के लिए तो अब देखा गया हो सकता है डाइक्लोफिनक एक प्रॉबेबल कॉज हो तो ये एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथिस दी गई एक न्यू रिस्क फैक्टर इन्वायरमेंट में बताया गया क्योंकि बर्ड्स इस पर एक्सपोज थे अब इसमें क्या हो रहा था कि वेटनरी एनाल्जेसिक ड्रग यूज कर रहे थे जो लाइफ स्टॉक इस पर फीड करता था पे जब कभी उसको इसका इंजेक्शन दिया गया और वो जानवर अब मर गया वो जानवर जब मर गया उस पर वल्चर्स फीड करने शुरू किए और अब जो डाइक्लोफिनेक था वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता था लाइफ स्टॉक में एनिमल के में और उसके कोई ना कोई रेजिड्यू जो मेटाबोलाइज नहीं हुआ वो बॉडी में रह जाता था तो वल्चर जब उस पर फीड करते थे तो वल्चर मर जाते थे अगर ऐसा देखा गया कि एक परसेंट भी डाइक्लोफिनाक का कॉन्सेंट्रेशन डेड बॉडी में होगा एनिमल की कैरकैस में होगा तो वल्चर्स उससे इफ़ेक्ट होंगे मर जाएंगे ओके okay, तो यहाँ पे देखा गया सफिशियंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनमेटेबलाइज डाइक्लोफिनैक रिमेंड लाइव स्टॉक जो कैर कैसेज थे उनमें ये देखा गया फिर और, और सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिन वल्चर्स को कैप्टिविटी में रखा जाता था ब्रीडिंग के लिए वो भी देखा गया कि ससेप्टेबल हैं डाइक्लोफिनेक के और वो भी किडनी फेलियर से मर रहे हैं अगर उनको ऐसा कारकास डेड बॉडी एनिमल की दी जा रही है खाने के लिए जिसको डाइक्लोफेनाक का कोई वेटनरी डोज दिया गया है तो वेटनरी ड्रग्स यूज रूटीनली एज वेल एज दोज न्यू इन द मार्केट वर सर्वेड फिर बहुत सारे वेटनरी ड्रग्स को और भी इन्होंने स्टडी किया कि कहीं और कोई वेटनरी ड्रग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है जो किडनीज को डैमेज करे लेकिन फिर सारे ड्रग्स को पढ़ने के बाद पता चला कि नहीं ये सिर्फ डाइक्लोफिनाक ही है और फिर जो रेजिड्यू एनालिसिस थे जैसे मैंने आपको बताया विसरल गाउट यानी उनके इंटरनल ऑर्गन में हम यूरिक एसिड का डिपोजिशन देख रहे थे जब उनके किडनी सैंपल्स को मैच किया गया तो देखा वो डाइक्लोफिनेक रेजिड्यूज से बिल्कुल 100 परसेंट मैच हो रहे थे तो मतलब रीजन क्या है डाइक्लोफिनक जिसे बॉफ्लोज को जो भैंस रहती है उसको ट्रीट किया जाता है इससे जब वो मर जाती है तो वल्च उस पर फीड करते हैं और वो भी मर जाते हैं तो यहाँ पे देखा इस वजह से मोर्टिलिटी हो रही थी तो यहाँ से फिर आपका जो 어? <목소리도> कंजर्वेशन है वल्चर्स का वो शुरू हो गया बहुत सारी इस तरह की वर्कशॉप्स मीटिंग्स इंडिया में अब्रॉड में साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स जो हैं उन्होंने शुरू की क्योंकि वल्चर्स को सेव करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ तो फिर क्या हुआ 2004 में वर्कशॉप काठमांडू नेपाल में हुई वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि हम जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वेटनरी डॉक्टर्स हैं लोकल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनको बोलते हैं कि चलिए मिल कुछ एक्शन प्लान बनाते हैं ताकि डाइक्लोफिनक को फेस आउट किया जाए अब देखो डाइक्लोफिनक को फेस आउट करना भी मुश्किल था क्योंकि ह्यूमन यूज के लिए इसको काफी यूज किया जाता है और इसका कोई इतना ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है तो या तो इसको सिर्फ वेटनरी के लिए फेस आउट जो है वो किया जाए अब देखिए 2004 थाउजेंड uh, में अगर हम देखें ये तो फ़ोर में जैसे शुरू हुआ ने, आ, नेपाल में वर्कशॉप हुई वल्चर केयर सेंटर्स वीसीसी खोले जाने लगे और इंडिया में 2001 में खोला गया पहली बार uh, कहाँ पे पिंजोर हरियाणा में ओके पिंजौर हरियाणा में वहाँ पे भी क्योंकि इसी तरह की uh, हुआ था कि वल्चर्स के पॉपुलेशन गिरने लगे थे तो वल्चर केयर सेंटर यहाँ पर खोला गया फिर 2004 में ये जो वल्चर केयर सेंटर है इसको अपग्रेड कर दिया गया इसको वी बना दिया गया यानी वल्चर केयर एंड ब्रीडिंग सेंटर में इसको अपग्रेड कर दिया पहले सिर्फ केयर सेंटर था फिर उसको ब्रीडिंग सेंटर भी बना दिया गया 2004 में और आज प्रेजेंटली इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट आपके नाइन वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स जो इंडिया में हैं और इसको कौन एडमिनिस्टर कर रहा है बी एन एच एस बी एन एच एस क्या है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यहां पे लिख देती हूँ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ठीक है जो आपके वर्ल्चर वीसी बी वो इसकी देखरेख में चल रहे हैं इनफैक्ट जो आपके सी जेड ए यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी उसके बाद आपका बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी ये बहुत सारे इस तरह के वल्चर्स को लेकर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो चला रहे हैं अब देखो जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर पिंगजोड़ में जो है ये इंडिया की आप मान सकते हैं कि लार्जेस्ट इसकी ब्रीडिंग फैसिलिटी वल्चर्स के लिए इंडिया में है इंटरनेशनली भी इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया था सेव सेव का क्या मतलब है सेविंग एशियाज़ वल्चर एक्सटेंशन सेविंग एशियाज़ वल्चर एक्सटेंशन ये एक इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया जो बॉम्बे ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ये इसका एक पार्ट है इसमें बहुत सारे लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन सामने आए कि मिलके वल्चर पॉपुलेशन को सेव करेंगे और इसमें नेपाल के यूके के के जोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंडन सब सेव का पार्ट हैं तो अल्टीमेटली फिर किस तरह के स्टेप्स यहाँ पे एक्शन प्रोग्राम में लिए जाने लग गए कि कॉज वल्चर डिक्लाइन जो है 2000 रिमूव वल्चर डिक्लाइन बाय 2010 में इन्होंने सोचा 2004 में ये स्टेप्स लिए गए और 2030 तक सस्टेनिंग पॉपुलेशन वल्चर्स के लिए बनाए जाएंगे मेन फोकस का पॉइंट था वेटनरी ड्रग यूज़ और रिसर्च इस पर की जाएगी लोगों को अवेयर किया जाएगा उसके बाद नेशनल वर्कशॉप दिल्ली में यानी आप देखिए 2004 में बहुत इस तरह की वर्कशॉप्स ली गई जहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं जिसपे अग्री किया गया पहले तो डाइक्लोफिनाक को मार्केट से ख़त्म करें वेटनरी यूज़ के लिए ओके वेटनरी यूज़ के लिए याद रखिएगा और ऑल्टरनेटिव वेटनरी ड्रग्स जो हैं वो यूज़ किए जाएँ और स्टेट गवर्नमेंट भी कोई प्लान्स लेके आएँ ओके okay, तो अब यहाँ पे देखिए फिर सेकंड मीटिंग इसकी एन बी डब्ल्यू एल नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की सेवनटीन टू थाउजेंड फाइव में हुई इन्होंने भी इस तरह के एक्शन प्लान की बात की फिर यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस कन्वर इसकी कंजर्वेशन के लिए वो लेने लगे और क्या रिकमेंडेशन की गई वहाँ पर भी कि वल्चर कन्जर्वेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएँ वही बात अगेन एजुकेशन अवेयरनेस स्टेट्स जो हैं रीजनल लेवल पर भी काम करें और टास्क फोर्स बनाई जाए एक रीजन की जो कलेबोरेट करें वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स की पूरे रीजन में तो जैसे भी आपकी रेंज कंट्रीज़ हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए जैसे बांग्लादेश भूटान कम्बोडिया इंडिया म्यांमार नेपाल पाकिस्तान ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वल्चर पॉपुलेशन पाई जाती है तो ये कंट्रीज़ भी ये काम करें तो ऑल्टरनेटिवस ढूंढे जाए कि ये जो डाइक्लोफिनेक है इसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है क्योंकि इन्होंने देखा कि मार्केट से इसको रिमूव करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि थाउजेंड करोड़ का आपका वेटनरी फार्मास्यूटिकल्स जो हैं डाइक्लोफिनक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के वो इतने पैसों में इनकी जो मार्केट इतनी हमारे देश में है तो इसमें से देखिए थाउजेंड करोड़ की सारी डाइक्लोफेक की नहीं टोटल जितने भी आपके वेटनरी फार्मास्यूटिकल्स हैं उनका टोटल मार्केट थाउजेंड करोड़ है और उनमें से बीस करोड़ डाइक्लोफिनेक का मार्केट भी है तो इसको फेस आउट करने के लिए तो लोग भी तैयार नहीं होंगे तो किस तरीके से करना है इसका ऑल्टरनेटिव लाना बहुत इंपॉर्टेंट है फिर जैसे मैंने बताया ह्यूमन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सब चीजें ध्यान में रखी गई अब देखिए एक्स सी टू कंजर्वेशन वल्चर्स की कैसे की गई ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी स्लाइड में लिख के बता चुकी हूँ कि जैसे कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स पिंजोर में खोले गए तो नाइन ब्रीडिंग सेंटर्स और जो सेंटर्स हैं कंजर्वेशन सेंटर्स इंडिया में इसके हैं फिर जो एक्शन प्लान है लेटेस्ट वर्ल्चर कंजर्वेशन ट्वेंटी में जो बात की गई उत्तर प्रदेश त्रिपुरा महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु को वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर देने की बात की गई ये जो एक्शन प्लान है 2025 वाला इसको किसने अप्रूव किया है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अक्टूबर 5 2020 को लेटेस्ट ये इन्फॉर्मेशन है कि ये Uh, जो वी हैं वल्चर सेंटर्स एंड ब्रीडिंग सेंटर्स इनको अप्रूव किया गया ये वाली स्टेट्स के लिए तो इसने प्लान के हाईलाइट्स क्या हैं फिर से वही चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ हर मीटिंग में डिस्कस होती आई हैं कि इस ड्रग को रिमूव करना है वेटनरी यूज़ से हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मदद से ये काम करेंगे वेटनरी यूज़ ख़त्म करना है कंजर्वेशन ब्रीडिंग जो है ये रेड हेडेड वल्चर और रिजिप्शन वल्चर्स की वो शुरू करनी है एटलीस्ट वन वल्चर सेफ जोन जो है हर स्टेट में हमको बनाना है कोऑर्डिनेटेड नेशन वाइड वल्चर काउंटिंग इन्वाल्विंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स यानी जो इनका सेंसेस होगा वो भी अब एक कोऑर्डिनेटेड रूप से किया जाएगा जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स आपका बी एन एच एस और रिसर्च इंस्टीट्यूट एन जी ओज और जो भी नॉन प्रॉफिट मेम्बर हैं पब्लिक के उनको उसका पार्टनर स्टेक होल्डर रखा जाएगा एक डेटा इसमें कलेक्ट किया जाएगा और देखा जाएगा अब और वल्चर को क्या-क्या थ्रेट्स हैं हैं जैसे कि कई बार होते हैं, वल्चर्स बिजली तारों पे जाके बैठते हैं। तो अन इंटेंशनल पॉइजनिंग हो जाती है तो ये डेटाबेस भी कलेक्ट करना है कि इनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो तो जैसे मैंने बताया एनबी डब्ल्यूएल ने ये प्रोग्राम जो है यहां पे मैंने आपको बताया ये। कि ये वल्चर कंजर्वेशन जो है इन्होंने एक्शन प्लान को अप्रूव किया तो इसके बारे में देख लीजिए देख लीजिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन फाइव ए ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसका संगठन हुआ था प्राइम मिनिस्टर इसके मेन चेयरपर्सन रहते हैं ये अपेक्स बॉडी है जितने भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स हैं उनको यही अप्रूव यहीं से आपके सारे प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं लेकिन नेचर के लिए थोड़ी एडवाइजरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसीज फ्रेम करने में हेल्प करती है थ्रेट्स बता चुकी हूँ मैं आपको नॉर्मली हमने देख लिया कि डाइक्लोफेनाक की वजह से इनकी पॉपुलेशन गिर रही थी बट और भी थ्रेट्स हैं जैसे पॉइजनिंग हो सकती है नेचुरल हैबिटेट्स में आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं खाने की कमी है कंटामिनेटेड फूड है और पावर लाइंस पे बैठ जाते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इनकी uh, मृत्यु हो जाती है और पॉपुलेशन की कम होती है तो ये सब थ्रेट्स हैं तो कंजर्वेशन एफर्ट्स इसीलिए टू पूरा डिटेल में केस स्टडी मैंने आपको बताया कि कब से इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है वो चल रहे हैं बट याद रखिएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और इनकी बाकी तीन स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बाकी इंडेंजर्ड हैं ब्रीडिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं ठीक है अभी नाइन वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं तो ये सब कंजर्वेशन ऑफ वल्चर में आपको काम आएगा तो काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ी वल्चर के बारे में क्योंकि यूजुअली हम सोचेंगे ओके okay, वल्चर को बचाने की क्या ज़रूरत है तो सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस आपको मालूम होना चाहिए फिर क्या केस स्टडी है डाइक्लोफिनाक को लेकर उसके सिवाय भी क्या थ्रेट्स हैं और आज तक क्या एक्शंस लिए गए हैं इस पीडीएफ में और आज के लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा थैंक यू सो मच